अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेशे वाली चिकन। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि फ़ोन हैंग हो रहा था तो वीडियो सही से उतरा नहीं। ये हमने ज़ीरा राइस चढ़ा दिया है, बस हम इसको अभी दम पे लगाएंगे हमारे ज़ीरा राइस को। रेशे वाली चिकन के साथ हमने ज़ीरा राइस बनाया है। देखिए हमारा राइस बस दम पे हो गया है। इंग्रेडिएंट्स का आया नहीं वीडियो चूँकि फ़ोन हैंग हो रहा था, तो हमने 1 टेबल स्पून तेल में कम से कम 3 से 4 मीडियम प्याज को लाल कर लिया, गुलाबी कर लिया अच्छे से। उसमें खड़ा गरम मसाला भी हमने खाली ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च ही ऐड किया है, तो हमारी प्याज जो अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसमें टमाटो डालेंगे। हमारा टमाटो भी बारीक कटा हुआ टमाटर है, 4 to 5 मीडियम टमाटर है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अभी सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। थोड़ा मैश होने, टमाटर नरम होने तक हम इसको गैस पे पकाएंगे अच्छे से हमारा हाई फ्लेम में। अभी हम इसमें अभी सूखे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैंने गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मिर्ची की बुक्की और सॉल्ट टू टेस्ट, और हल्दी 1/2 टेबल स्पून है। सब मसाले को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को, और फिर इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आज को थोड़ा फ़ोन हैंग हो रहा था ना, वो वजह से स्टार्टिंग के इंग्रेडिएंट्स में बता नहीं पाई। फ़ोन बंद चालू हो रहा था तो वो स्टार्टिंग का वीडियो आया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज अब बताते जा रही हूँ। तो आप बिल्कुल ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल होटल स्टाइल आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप होटल का खाना खा रहे हो। इतना अच्छा बना था मेरा ये रेशे वाला चिकन। देखिए हमारा मसाला भून रहा है धीरे धीरे सब साइड से, थोड़ा ऑयल भी छोड़ रहा है पैन। कितने अच्छे से अभी हम इसको 10 मिनट्स रखेंगे जब तक हमारा टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाए। देखिए 10 मिनट्स हो गए। 10 मिनट्स के बाद हमने चेक किया, देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया है, तो कलर भी इतना अच्छा रेड कलर आ गया इसमें। देखिए मस्त टमाटर भी हमारा अच्छे से मैच हो गया। मैंने इसमें 1/2 kg चिकन लिया था, मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था 1/2 kg चिकन को, और बॉईल करके मैंने उसका रेशा रेशा कर लिया। तो आप विदाउट बॉईल भी बना सकते हो, डायरेक्ट पूरा चिकन भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ये रेशे वाला बनाया तो मैंने इसलिए चिकन को बॉईल किया। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, अच्छा सा पैन ने पूरा तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमारा मसाला कम्प्लीटली भुन गया है। फिर भी थोड़ा हम 5 मिनट चलाएंगे इसको, जो भी इसका कच्चापन है अदरक लहसुन का वो आना नहीं चाहिए। देख कलर कितना अच्छा आ रहा है हमारा। फास्ट है अभी हमारा गैस, फुल फास्ट पे हम 5 मिनट इसको भुनेंगे। 5 मिनट तक फास्ट करके अच्छे से भुनना चाहिए कि तेल भी छूट जाना चाहिए। अब देखो तेल छूट गया पूरा। हमने इसमें अब 1 कप दही डाली है, अच्छी गाढ़ी दही 1 कप पूरा डाल दिया इसमें। और इसमें साथ में ये मेरा 1/2 kg बोन वाला चिकन लिया था मैंने, तो बोन निकालने वाला चिकन इतना बचा, आप बोनलेस भी ले सकते हो। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिलाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, चिकन को साथ में दही के। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगी तो वो पानी भी साथ में भुनना चाहिए। पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सबको। देखिए सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी दही ने भी अभी अपना पानी छोड़ा है, तो दही के पानी में भी अभी है थोड़ा पकेगी। चिकन तो हमारी बॉईल है तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। चिकन को मसाला भी हमारा भून गया है। अब चिकन और मसाले का दोनों का टेस्ट बैलेंस होना चाहिए, तो हम दोनों को साथ में पकाएंगे। देख कितनी अच्छी हमारी चिकन दिख रही है, रेशे वाली चिकन बहुत ही टेस्टी बनी। तब हम इसको 5 मिनट्स तक स्लो आँच पर पकाएंगे। ये मैंने मैदे का डोर तैयार किया है, इसमें मैंने दही डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है, नमक डाला है, और जस्ट रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी के टाइप में पकाने वाली हूँ। देखिए हमारा चिकन 5 मिनट हो गया, हमारा चिकन भी अच्छे से भुन गया है। तो इसके साथ मैंने ज़ीरा राइस बनाया है और तंदूरी रोटी बनाया है, मैदे की रोटी, जो तंदूरी रोटी बाहर से मिलती है। अगर आपके पास दूध है तो आप जो डो में दूध डालोगे तो आपका डो और सॉफ्ट होगा, रोटी भी आपकी तंदूरी एकदम सॉफ्ट बनेगी। ये हमारा चिकन हो गया डन। मैंने इसको कोरिएंडर से गार्निश किया है। देख कितना खूबसूरत हमारा चिकन दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया ये, तो आप भी एक बार प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना कैसा बना आपका ये।
देखिए मैंने डिश आउट करके निकाले, देखिए कितनी खूबसूरत हमारी चिकन दिख रही है। अगर आप देखिए हमारी रुमाली रोटी बोल रही, मैं तंदूरी रोटी मैंने बनाने की कोशिश की हूँ तभी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी थी रोटी भी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। इसके साथ ज़ीरा राइस मैंने बनाया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।